पांच राज्य, 679 विधानसभा सीट, 8054 कैंडिडेट्स, किसकी होगी जीत? MIM और BRS की जो हम आइडियोलॉजिकल पार्टी है, आइडियोलॉजिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस हो सकती है लेकिन BJP नहीं हो सकती। ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। रोसिया जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। ये सारे बाहर वाले, दिल्ली वाले आके हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे 4 करोड़ों का तेलंगाना परिवार है, हमारे परिवार में आके आप डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण संपन्न, अब तेलंगाना में बढ़ी सियासी टेंशन। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फ्रेंड लोगों लाइक है, इसलिए कई जगह राजस्थान में एंटी इनकमबेंट नामी चीज नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ। तेलंगाना टू राजस्थान, दावों का दंगल, किसे मिलेगा सत्ता वाला ग्रीन सिग्नल? छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हम जीत रहे हैं। बोलने वाले लोग जो है ना, इनको तुम भगा दो। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। महंगाई, ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार, कैसे होगी चुनावी नैया पार? केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी। KCR की पार्टी BRS ने यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली से RSS के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। RSS के लोग BJP का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। 3 दिसंबर, कौन सिकंदर?